अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को प्रेजेंट किया था एंटोनी लेवाइजर ने 1785 में, एंड एंटोनी लेवाइजर बिलोंग टू द फ्रांस, दैट इज़ वाई उनके नाम के सामने लिखा हुआ है द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवाइजर इन 1785 समराइज इज फाइंडिंग थ्रू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो एंटोनी लेवाइजर ने नोट क्या चीज़ की, एंटोनी लेवाइजर ने केमिकल रिएक्शन को एनालाइज किया, केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया, और ये बात उन्होंने पता लगाई कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वी डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ न्यू सब्सटेंस और डिस्ट्रॉय द प्रीवियस वन। ना तो हम किसी केमिकल रिएक्शन में किसी चीज़ को बना सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट में कहा the total mass of the product is always equal to the total mass of the reactant consumed in a chemical reaction। होता क्या था, पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जब हम दो चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाते हैं, कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाकर जलाते हैं, या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाते हैं, और जब पानी बनता है तो लोग ये समझते थे कि हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, और एक नई चीज़ वाटर ने जन्म लिया है, एक नई चीज़ वाटर क्रिएट हुई है। और ख़त्म होने से मुराद वो ये लेते थे कि हाइड्रोजन इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, हाइड्रोजन अब ख़त्म, और जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन ख़त्म, अब कुछ नई चीज़ बन गई है। एंटोनी लेवाइजर ने इसी सोच को, इसी थिंकिंग को ख़त्म करने की कोशिश की है। एंटोनी लेवाइजर ने कहा है कि मास ऑफ द प्रोडक्ट, वो चीज़ जो कि बनती है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। उस बनने वाली चीज़ का वज़न और जिन चीज़ों से उसको बनाया गया है उसका वज़न हमेशा बराबर रहेगा। मतलब जितने इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो उनका मास, और जो प्रोडक्ट आपके पास बन के आ रहा है उसका मास, दोनों का मास हमेशा बराबर होगा। और इन दोनों के मासेस बराबर होने का मतलब ये है कि एक केमिकल रिएक्शन में चीज़ें जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो अपने आप को रीअरेंज करती हैं। लाइक बिफोर द केमिकल रिएक्शन, हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर कम है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, खैर ये नहीं बढ़ रहा, ठीक। और ऑक्सीजन के एटम्स भी लगभग अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं, लेकिन जब पानी बनता है तो उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस तरह की हो जाती है, वो दिखने में ऐसे हो जाते हैं। अगर ये आपको स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है तो ये लीजिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। उन्होंने अपनी अरेंजमेंट को चेंज किया है जब ही उनकी अपेयरेंस चेंज हुई है। लेवाइजर यही दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और उस रीअरेंजमेंट में होता यह है कि उनकी अपेयरेंस, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब चेंज हो जाती हैं और लोग ये समझते हैं कोई नई चीज़ बन गई है, ठीक है। ये लोगों के लिए एक इल्यूजन होता है, एक नज़र का धोखा होता है। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो कुछ भी ख़त्म नहीं हो रहा और कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा, बस एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। जब भी इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी करते हुए हमारे एंटोनी लेवाइजर ने ऑक्सीजन ली और हाइड्रोजन ली, और रिएक्शन से पहले इनका मास किया, और जब इनको रिएक्ट करवा दिया और उनके रिएक्ट करने के बाद पानी बना, और जब बनने वाले वाटर का मास किया तो वाटर का मास वही था जो रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एंटोनी लेवाइजर ने रिएक्शन से पहले हमारी जो हाइड्रोजन गैस ली, उस हाइड्रोजन गैस का मास था 2 ग्राम, और उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से और उस ऑक्सीजन का मास था 16 ग्राम्स, तो जब इन दोनों को मिलाकर उन्होंने बनाया वाटर, और वाटर का मास जब उन्होंने किया तो वाटर का मास कितना आया, 18 ग्राम। तो इससे उन्होंने क्या कहा, इससे उन्होंने कहा मास नीदर
created nor destroyed during chemical reaction. यानी किसी भी chemical reaction में आप mass को ना तो create कर सकते हो और ना ही mass को आप ख़त्म कर सकते हो. अगर हम मास क्रिएट कर रहे होते तो ऑब्वियसली यहाँ पर 18 ग्राम के बजाय आता 19 ग्राम, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो. और डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या होता कि ये 18 ग्राम के बदले क्या बनता, 17 ग्राम. तो मास डिस्ट्रॉय हो गया. तो ये बात याद रखने वाली है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी तरीके से आप मास को ख़त्म नहीं कर सकते. एक और सोच होती है लोगों की, वो ये सोच होती है, और अक्सर बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि हम जब कार्बन को बारबेक्यू में जलाते हैं तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये माना जाता है कि कोयला ख़त्म हो गया है. जबकि कोयला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि कोयला ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर तब्दील हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में. और ऐसा क्यों हुआ है कि कार्बन एटम्स रिएक्शन से पहले उनकी अरेंजमेंट किसी और तरह की होती है, और ऑक्सीजन एटम्स की जो अरेंजमेंट, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट किसी और तरह की होती है. कार्बन के एटम्स बस समझ लो स्क्वायर शेप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ऑक्सीजन की जो लीनियर शेप है वो यहाँ पर हमने आपको दिखा दी है, ओ बॉन्ड ओ, इस तरह से ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. लेकिन जब ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, और इनकी अरेंजमेंट एटम्स की कुछ इस तरह से हो जाती है. और इस फेज़ में, इस सूरत हाल में इनकी स्टेट क्या होती है, गैस होती है. यूजुअली हमारा कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है. जब कार्बन कम्बस्ट होता है, जलता है, ख़त्म हो जाता है, हम कहते हैं जी कोयला तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली वो ख़त्म नहीं हुआ होता, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो चुका होता है. अगर आप केयरफुली स्टडी करें, बाय ऑल एपरेटस एक्सपेरिमेंट करें तमाम एपरेटस की मौजूदगी में, तो आप ये देखेंगे फॉर एवरी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन देयर विल बी अ नीड ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे विल गिव यू एग्जैक्टली 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम और 32 ग्राम अगर आप मिलाओगे तो 44 ग्राम्स बनेगा बिफोर केमिकल रिएक्शन, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी आपको एग्जैक्टली 44 ग्राम्स ही मिलेगा. इट्स मीन अल्लाह ताला के पास ही ये राइट है, अल्लाह ताला के पास ही ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को क्रिएट कर सकता है और वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ह्यूमंस, इंसान या इस दुनिया में कोई भी दूसरी मखलूक ना तो किसी एक सिंगल एटम को या किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकता है और ना ही किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकता है. अगर ऐसा कर सकने की काबिलियत होती तो केमिकल रिएक्शन से पहले का मास और केमिकल रिएक्शन से बाद का मास हमेशा अलग आता. आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा. कंजर्व का मतलब आप सर्च करना नेट पर, कंजर्व का मतलब होता है बचना, बाकी रहना, ख़त्म ना होना. तो यहाँ पर वही हो रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मास ख़त्म नहीं होता. सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वेरिफिकेशन भी की गई, उसकी जांच और पड़ताल भी की गई. और वो जांच पड़ताल किसने की, वो जांच पड़ताल की एक जर्मन के रहने वाले केमिस्ट ने, जिनका नाम था हेनरी लैंडॉल्ट. हेनरी लैंडॉल्ट ने वेरिफिकेशन की लॉ की, जो कि एक मेजर स्टेप होता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी थ्योरी को जब हम लॉ बनाते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन नेसेसरी होती है. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में लोगों ने शिकायत की कि आवाज़ जो थी वो कम थी, शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस को भी हैंड फ्री लगा कर देखेंगे, हैंड फ्री लगा कर सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर. लेकिन खैर, अब उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कर लिया है. तो हेनरी लैंडॉल्ट ने उसको किस तरीके से वेरीफाई किया, हेनरी लैंडॉल्ट ने एक एपरेटस लिया जिसकी शेप थी एच, और उसके एक लिंब में, उसके एक कंपार्टमेंट में, उसकी एक साइड पर, उसकी एक शाख में उन्होंने फिल किया AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और उसके दूसरे लिंब में उन्होंने फिल किया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज पर डायग्राम. और जब उन्होंने इसको फिल कर दिया तो उन्होंने एपरेटस को ऊपर से सील किया, और जब उन्होंने एपरेटस को ऊपर से सील कर लिया
तो उन्होंने इस एपरेटस को सीधा रखते हुए, वर्टिकल पोजीशन में रखते हुए उसका वे किया, उसका मास किया और उस मास को नोट कर लिया। देन हेनरी लैंडॉल्ट ने उस पूरे केमिकल को, क्योंकि वो सील हो चुका था एपरेटस, कोई केमिकल बाहर नहीं आ सकता था, अच्छी तरह से शेक किया। शेक करने पे क्या हुआ, दोनों केमिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुए, और जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुए तो दे फॉर्म टू न्यू केमिकल कंपाउंड, वन इज AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सेकेंड वन इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन दोनों केमिकल कंपाउंड में से जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कलर होता है वाइट। तो देखते ही देखते जो पूरा का पूरा सोल्यूशन था, जो थोड़ी देर पहले ट्रांसपेरेंट था दोनों लिम्स में, अब हो चुका है वाइट कलर का। तो हेनरी लैंडॉल्ट ने कहा कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गया है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रही है। और फिर जब उन्होंने रिएक्शन के बाद उसका मास किया तो मास वही आया जो मास रिएक्शन से पहले था, यानी कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास जो था वो इक्वल आया। तो इट्स मीन द अबव स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, दैट इज मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और द स्टेटमेंट विच इज रिटन इन द नोट्स, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वेरिफिकेशन हुई। तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में नोट करना है। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ऑनलाइन क्लासेस जब होंगी तब भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।